आम आदमी पार्टी को डर सताने लगा है कि एक बार फिर उनके लिए दिल्ली में खाता खोलना मुश्किल हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक आर्यन और आप देख रहे हैं OMH न्यूज। दर्शकों, चुनाव के दौरान जब विपक्षी नेता EVM, चुनाव आयोग और तानाशाही जैसे शब्द इस्तेमाल करने लगे तो समझ लीजिए कि उन्हें पता है कि लोग BJP के पक्ष में जमकर मतदान कर रहे हैं और वो हार के बाद के लिए अभी सही बहाने ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर हार के बाद विपक्षी नेता EVM और चुनाव आयोग पर ठीकरा नहीं फोड़ेंगे तो उनके समर्थक भी उनसे दूर चले जाएंगे। ऐसे में अपने मौजूदा समर्थकों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए विपक्षी नेता EVM और चुनाव आयोग को निशाना बनाते हैं। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल की दल की नेता है आतिशी मार्लिना। वो आए दिन ऐसे बयान देती रहती हैं जिससे जनता के बीच में भ्रम पैदा हो। वो हमेशा से ये कोशिश करती हैं कि किसी भी तरह से जनता को भ्रम में डालो और राज करो। आपने ये अपनी आदत बना ली है कि किसी भी तरह से जनता को पागल बनाना है। वो इसके लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है। अरविंद केजरीवाल का बस चले तो वो दवाई खाने की तरह ही झूठ भी बोलते हैं। सुबह, दोपहर और शाम आप नेता झूठ बोलने और झूठे आरोप लगाने में कतराते नहीं है, लेकिन दर्शकों, कई बार झूठ बोलना भारी भी पड़ जाता है। BJP के नेताओं पर झूठे आरोप लगाने की वजह से अरविंद केजरीवाल माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन इस बार आप नेता आतिशी मुसीबत में फंस सकती है झूठ बोलने के कारण। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली में BJP के पक्ष में माहौल देख आम आदमी पार्टी की नींद गायब हो गई है और हार के बाद के लिए आप नेता अभी सही बहाने ढूंढ रहे हैं। दिल्ली में वोटिंग के दौरान आप नेता और मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोटर्स वाले इलाकों में स्लो वोटिंग कराने को कहा गया है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की ओर से किए गए दावों को CM अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस पर दिल्ली के LG ने जवाब देते हुए एक तरफ जहां CM अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा तो वहीं झूठे आरोप लगाने की वजह से आतिशी पर एक्शन लेने की भी बात कही है। दरअसल आतिशी ने LG पर आरोप लगाया था कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के समर्थन वाले इलाकों में धीमी वोटिंग कराने का आदेश दिया है। आतिशी ने एक्स पर लिखा है कि ऐसी जानकारी मिली है कि आज LG ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिए हैं कि जहां इंडिया गठबंधन के वोटर्स भारी संख्या में है वहां पर वोटिंग धीरे करवानी है ताकि लोगों को वोट डालने में दिक्कत हो। प्रशासन द्वारा भाजपा को जिताने का ऐसा कोई भी प्रयास गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक है और मैं उम्मीद करती हूं कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा और ऐसे किसी भी प्रयास पर रोक लगाएगा। वहीं CM अरविंद केजरीवाल ने भी इसे शेयर करते हुए लिखा है कि यह हैरान करने वाला है, चुनाव आयोग को दिल्ली में सुचारू मतदान सुनिश्चित करना चाहिए। वहीं आतिशी और अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में मतदाताओं को परेशान करने जैसी संभावनाएं के आरोपों पर LG ने पलटवार करते हुए CM अरविंद केजरीवाल को घेरा। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, आदत ही बना ली है आपने तो ऐ केजरीवाल साहब, जिस हाल में रहना बस रोते हुए रहना। LG के इस पलटवार पर आम आदमी पार्टी की भी प्रतिक्रिया आई है। वहीं एक्स पर एक दूसरे पोस्ट में आतिशी ने लिखा है कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आ रही चिंताजनक खबरें, जनकपुरी के कैप्टन अर्जुन नैयर स्कूल में पीठासीन अधिकारी ने सुबह ही पोलिंग एजेंटों से फॉर्म 17C पर हस्ताक्षर कराने की कोशिश की। गवर्नमेंट स्कूल नंबर 3 कालकाजी में अभी एक चुनाव अधिकारी ने आकर निर्देश दिए हैं कि पोलिंग एजेंट कोई भी डेटा नोट नहीं कर सकते। क्या वोटिंग संख्या में हेरा फेरी करने की योजना है? तो देखा आपने कैसे अभी से ही आप नेता चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं और 4 जून को नतीजों के बाद विपक्षी नेता एक बार फिर EVM का ही राग अलापने वाले हैं। आपकी क्या है राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं और आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।